गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th में वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। वेक्टर्स के टाइप अपन ने पढ़ लिए। अब अपने को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, कि जब अपन किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीपल करते हैं तो अपने को एक नया वेक्टर मिलता है। तो उस नए वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसके मैग्नीट्यूड की अपन बात करते हैं। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, व्हेन ए वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड बाय ए रियल नंबर लैम्डा, कि ए वेक्टर को अपन ने लैम्डा क्या है यहाँ पे बेटा, रियल नंबर, क्या है रियल नंबर से मल्टीपल करते हैं तो अपने को एक नया वेक्टर मिलता है लैम्डा ए वेक्टर। एक नया वेक्टर मिलेगा लैम्डा ए वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर इज, और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का लैम्डा टाइम्स होगा, क्योंकि अपन ने लैम्डा रियल नंबर है उससे मल्टीपल किया था ए वेक्टर को, तो अपने को नया वेक्टर मिलता है लैम्डा ए वेक्टर। तो लैम्डा ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का लैम्डा टाइम्स। इफ़ लैम्डा इज पॉजिटिव तो लैम्डा ए वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी। अगर लैम्डा नेगेटिव है तो लैम्डा ए वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो दो चीज़ें हैं बेटा, कि जब अपन ए वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीपल करते हैं तो एक अपने को नया वेक्टर मिलता है जिसका नाम क्या है, लैम्डा ए वेक्टर। लैम्डा यहाँ पे क्या है, रियल नंबर। और लैम्डा ए वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का लैम्डा मल्टीपल। और डायरेक्शन की बात करें, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन किधर होगी, लैम्डा ए वेक्टर की, ए वेक्टर की सेम डायरेक्शन में। अगर लैम्डा नेगेटिव है तो लैम्डा ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, ए वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये है जब अपन किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीपल करते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, कि अपन किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीपल कर रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है जैसे मास, मास की यूनिट भी होती है। अगर उससे अपन किसी वेक्टर को मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर लैम्डा विच हैज़ ए सर्टेन यूनिट, मतलब लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि क्वांटिटी मतलब जिसके अंदर यूनिट भी हो, तो अपने को जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा लैम्डा ए वेक्टर, जो नया वेक्टर मिलता है लैम्डा ए वेक्टर। लैम्डा यहाँ पे क्या है बेटा, एक यूनिट है, एक क्वांटिटी है। तो रिजल्टेंट ए वेक्टर, लैम्डा ए वेक्टर की जो यूनिट है वो क्या होगी बेटा, मल्टीप्लाइंग बाय द यूनिट ऑफ ए वेक्टर बाय द यूनिट ऑफ लैम्डा। जो लैम्डा ए वेक्टर की जो यूनिट होगी वो लैम्डा की यूनिट और ए वेक्टर की यूनिट के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूँ, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको मास, मास एक स्केलर क्वांटिटी, उससे मल्टीपल करते हैं। तो वेलोसिटी को मास से मल्टीपल करते हैं तो एक नई क्वांटिटी मिलती है मोमेंटम। क्या मिलती है, मोमेंटम, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसकी यूनिट क्या होगी, जैसे मास की यूनिट तो क्या होती है केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी, इन दोनों के प्रोडक्ट के यूनिट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि केजी और मीटर पर सेकेंड को मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगी यूनिट उसकी, केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये है जो रिजल्टेंट अपने को वेक्टर मिल रहा, मोमेंटम कैसे मिला, वेलोसिटी वेक्टर को किससे मल्टीपल किया मैंने, स्केलर क्वांटिटी, मास से, मास से मल्टीपल किया तो अपने को मोमेंटम मिलता है, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी और मास दोनों की यूनिट के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए स्केलर। इसके बाद में अपने को पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ वैक्टर। कंपोजिशन ऑफ वैक्टर के अंदर अपन को तीन लॉ पढ़ने हैं। एक तो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर एडिंग टू वेक्टर, सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर एडिंग टू वेक्टर, थर्ड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर एडिंग मोर देन टू वेक्टर। दो वेक्टर को ऐड करने का अपने पास दो लॉ हैं, एक तो कौन सा, ट्राइंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। और दो से ज़्यादा अपने को अगर वेक्टर मिलते हैं तो उसको किस लॉ से अपन ऐड करेंगे, पॉलीगन लॉ से। तो ये तीनों लॉ के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।